अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और मार्केट लाइव में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं दालों पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप सबके हमारे चैनल पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि सरकार ने जो दालों पर स्टॉक लिमिट लगा रखी है और आयात के जो तरह फैसले लिए हैं उससे आगे जाके दालों का बाजार कैसा रह सकता है और सरकार आगे अब क्या फैसले ले सकती है, इससे व्यापारियों को और दाल मिल वालों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। और इन सब पर गहराई से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी। सुरेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी नमस्कार जी। नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, हाल ही में हमने देखा कि 9 जनवरी 2022 को दाल मिल एसोसिएशन की साधारण सभा हुई थी, जिसमें हमने देखा कि मुख्य अतिथि के तौर पर इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी मौजूद थे। उस मीटिंग में आप भी मौजूद थे। आपसे जानना चाहेंगे कि उस मीटिंग में दाल मिल वालों ने मंत्री जी के समक्ष अपनी क्या क्या समस्याएं रखी और अभी दाल मिल वालों को, कारोबारियों को ऐसी क्या समस्या आ रही है जिससे आगे हल किया जा सकेगा और अच्छा जो प्रोडक्टिविटी है दालों की वो और अच्छी देखने को मिलेगी। भारत सरकार के केंद्र के राज्य मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब मौजूद थे। ऑल इंडिया की सभा में हमारे अनेक सदस्यों ने अनेक सुझाव और जो देश की पॉलिसी बनी है वर्तमान, आयात पॉलिसी, निर्यात पॉलिसी एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो मंडी टैक्स अधिक है, तुलना बहुत अधिक जाए जी। तो जाएगी, सुरेश जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो मंडी शुल्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। मंडी शुल्क की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बहुत सारी ऐसी मंडियां हैं जहां पर मंडी शुल्क ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है दाल मिल वालों को। और क्योंकि बाहर राज्यों से फिर दाल थोड़ी कम ही आने को मिलती है और जब जो भी दाल आती है वो फिर थोड़ी महंगी हो जाती है। जी सुरेश जी, आप मंडी शुल्क के बारे में बता रहे थे, मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क बहुत ज़्यादा है। देखिए, मंडी टैक्स जो है वर्तमान में सर्वाधिक अगर हिंदुस्तान में है तो वो मध्य प्रदेश में है जी, 1.70 और उसके बाद कम है राजस्थान में और उससे कम है उत्तर प्रदेश में। तो मंडी टैक्स तीनों राज्य एक दूसरे से लगे हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में मंडी टैक्स की दर और उसका शुल्क बहुत अधिक है, जिसके कारण पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र हो या गुजरात है वहां के मुकाबले इन मंडी की टैक्सों में काफी बढ़ोतरी है। इसको कम करने का हमने सुझाव आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब मंत्री जी के समक्ष रखा कि भारत सरकार को पूरे देश में एक पॉलिसी बनाना चाहिए, एक टैक्स, जिस प्रकार जीएसटी का सिस्टम लागू किया है। जीएसटी के समय भी केंद्र सरकार ने कहा था कि तमाम मंडी टैक्सों को खत्म कर दिया जाएगा, किंतु कोई ना कोई कारण ऐसा बना होगा कि सरकार ने उसको रोक दिया, तो मंडी टैक्स को एक जैसा करने की आज भी जरूरत है, अहम जरूरत है, ताकि देश में एक टैक्स, एक जैसी प्रथा, एक जैसा व्यापार हो सके। अभी हमारे पड़ोसी राज्यों में गुजरात में मंडी टैक्स कम है, महाराष्ट्र में 80 पैसे है, तो जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों पड़ोसी राज्य है तो यहाँ मध्य प्रदेश में डबल मंडी टैक्स हो जाता है 1.75 जी। अगर गुजरात से देखा जाए राजस्थान, तो गुजरात के मुकाबले राजस्थान में 3 गुना मंडी टैक्स हो जाता है। गुजरात में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दर है, कहीं 75 पैसे और अधिकतर गुजरात में 50 पैसे, चाहे वो राजकोट हो, दाहोद हो, बड़ौदा हो, तो 50 पैसे वहाँ की दर है। तो जब राजस्थान वाले लोग
गुजरात से तुअर उड़द मूंग लेते हैं तो उनको मंडी टैक्स कम लगता है, और अपने राज्य में अगर खरीदते हैं तो ज्यादा लगता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मंडी टैक्स कम करने की आवश्यकता, और हमने मंत्री जी के समक्ष रखा कि पूरे देश में गुजरात की तरह 50 पैसे कर देना चाहिए। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जैसे महाराष्ट्र में 80 पैसे, गुजरात में 50 पैसे है, तो मध्य प्रदेश में 1 रुपए 70 पैसे है। तो अगर पूरे हिंदुस्तान में 50 पैसे कर देंगे तो ये व्यापार भी चलेगा, और अलग अलग राज्यों में दोहरा टैक्स लग रहा है। अगर उत्तर प्रदेश वाला आदमी अगर मध्य प्रदेश से माल खरीदता है तो उसको उत्तर प्रदेश का भी टैक्स देना है, मध्य प्रदेश का भी देना है, और मध्य प्रदेश का व्यापारी अगर उत्तर प्रदेश या राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेता है तो उसको अपने राज्य में अलग से फिर टैक्स देना है। तो दोहरी टैक्स प्रथा को समाप्त करने का हमने प्रस्ताव और सुझाव हमारे सदस्यों ने रखा, हमने रखा, क्योंकि अब हम कई राज्यों में देखें तो मंडी टैक्स नहीं, बिहार मंडी टैक्स जीरो है, केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। हम दिल्ली राज्य की बात करें जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है तो दिल्ली में भी जीरो है। अगर दिल्ली का माल उत्तर प्रदेश का व्यापारी खरीदेगा तो उत्तर प्रदेश में उसको 1.0 मंडी टैक्स चुकाना पड़ेगा, और वहीं से लगा दिल्ली राज्य जहां पर 0% है। तो ये तमाम विसंगतियां, अलग अलग विसंगतियों से व्यापार गड़बड़ हो रहा है। तो हमने मंत्री जी के समक्ष इसको रखा, तथा देश में वर्तमान में GST की दरें जो है वो सरकार ने सब पे लगा रखी है, मगर खाने की दाल जो है वो पैटर्न के रूप में, काफी इसमें प्रोटीन होता है और आम गरीब आदमी भी इसको खाता है। तो हमने मंत्री जी से अनुरोध किया कि भारत सरकार GST 5% समाप्त करे और ब्रांडेड दालों पर 5% GST हटाना चाहिए। तो ये 2-3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक आयात के संबंध में भी हमने उनसे अनुरोध किया है हमारे सदस्यों ने कि देश के बाहर से जो माल आता है वो अभी काफी ओपन फ्री कर दिया, पहले वो 31/10 के लिए फ्री किया था, बाद में भारत सरकार ने उसको अमेंडमेंट करके उसकी तारीख बढ़ा दी, उसको जनवरी तक के लिए कर दिया, और अभी कुछ दिन पूर्व फिर उसका एक नया एक सर्कुलर आ गया कि अभी 31 मार्च तक बर्मा, तंजानिया, जिम्बाब्वे, केनिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन मुल्कों से आयात किया जा सकता है। अधिक आयात से दिक्कत हमको नहीं है, अधिक आयात से दिक्कत देश के किसानों को है। जितना अधिक हम आयात करेंगे, जितना अधिक हम इंडिया के बाहर निर्भर रहेंगे तो वो हमारे किसानों को, देश के किसानों को नुकसान करेगा, क्योंकि देश का किसान जब तुअर उड़द मूंग बोता है तो उसमें काफी मेहनत लगता है, कीटनाशक दवाई, मजदूरी, डीजल, इलेक्ट्रिक और इन सब का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। तो इसलिए हमने इस बात को रखा है कि तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, सबका समर्थन मूल्य भारत सरकार 75 रुपए निर्धारित करे। अगर हम 75 रुपए निर्धारित करेंगे तो देश में तुअर और उड़द का रकबा भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर होंगे। अभी हमको उड़द के लिए बर्मा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि बर्मा में काफी मात्रा में उड़द होता है। आज से कई वर्ष पूर्व बर्मा भारत का ही अंग था, तो वहाँ की जो भूमि है उसमें उड़द का उत्पादन अच्छा होता है। हम तुअर की बात करें तो मलावी, केनिया, जिम्बाब्वे, बर्मा, इन मुल्कों में तुअर का भी उत्पादन अच्छा होता है। तो अगर हमारे किसान को हम उपयुक्त सही पैसा देंगे, सही मूल्य दाम देंगे, उसकी मेहनत का पूरा वाजिब दाम सही दाम देंगे तो वो यहाँ दलहन का उत्पादन बढ़ाएगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो हमको देश के बाहर से आयात भी कम करना पड़ेगा। जी, तो जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि मंडी शुल्क जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, जैसे कि सुरेश जी ने बताया 1.70 से 1.75 है, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है पूरे भारत वर्ल्ड में। लेकिन सुरेश जी के अनुसार ये जो मंडी शुल्क है ये पूरे भारत में, जैसे GST की एक दर है वैसे ही पूरे भारत में मंडी शुल्क की एक ही दर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर मंडी शुल्क किसी दूसरे राज्य से कम लगता है या ज़्यादा लगता है तो ऐसे में व्यापारियों को, दाल मिलों को कभी अपने यहाँ का तो मंडी शुल्क देना ही देना है, दूसरा जो दूसरे राज्य से आ रहा है उसका भी डबल टैक्स देना पड़ जाता है, तो दोहरी मार टैक्स की पड़ती नज़र आती है, जिसकी वजह से मंडी शुल्क को
एक दर बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। यहीं से सुरेश जी ने मंत्री जी से ये भी दरख्वास्त करी कि जो आयात लाइसेंस है उस पर भी ध्यान दिया जाए और इसके साथ साथ जो ब्रांडेड दालें हैं उन पर जो GST 5% लगता है उसको भी हटाना चाहिए, ये भी सुरेश जी ने मंत्री जी से कहा है। सुरेश जी, यहीं से बात करें अगर दालों के एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट माफ कीजिएगा सुरेश जी, यहीं से बात करें अगर दालों के इम्पोर्ट की, तो इम्पोर्ट की क्या स्थिति बनी हुई है अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुअर दाल का जो इम्पोर्ट है वो तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है और भारत सरकार भी अभी बातचीत कर रही है काफी देशों में तुअर दाल के इम्पोर्ट के लिए। जैसे कि आपने बताया कि ज्यादा आयात करने से अपने देश का किसान का जो मनोबल है वो टूट जाता है और ना ही उसको अभी MSP मिल रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में दालों का इम्पोर्ट और ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, किसान को MSP मिलना चाहिए, ये बात अनेक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। इस 5 सालों में भारत सरकार ने इस बात को अनेक बार कहा है कि किसान को तुअर, उड़द, मूंग, चने का वाजिब मूल्य, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अच्छा, मूल्य आयोग की हर वर्ष बैठक होती है, उसमें भी मैंने हर मीटिंग में इस बात को रखा है। दिल्ली के अंदर बैठक में तमाम अधिकारी इससे सहमत होते हैं, मगर निर्णय करते वक्त फिर कुछ ना कुछ भूल चूक होती है और वो समर्थन मूल्य जो बढ़ना चाहिए किसान के हित में नहीं बढ़ पाता है। तो भारत सरकार को किसान हित सोचना चाहिए। आपने देखा हिंदुस्तान में कई दिनों तक किसानों का आंदोलन रहा, तो उनकी कीमत का वाजिब मूल्य मिले इसकी चिंता सभी को करना चाहिए। अभी वर्तमान में कुछ ऐसा वातावरण बना दिया है कि आयात अधिक हो, जो पॉलिसी बन रही है उसमें इस बात को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि देश के किसान का माल तो ठीक है मगर आयात ज्यादा करना चाहिए। अब उसके आयात से कीमतें दालों की कम बढ़े इस भावना उनके पीछे हो सकती है, मगर हो रहा है विपरीत, उल्टा हो रहा है। हमने जब 2-3 बार इसको बताया कि भाई आयात अधिक करेंगे तो देश के किसान को नुकसान होगा जी, हमको आयात करने में सीमित मात्रा में काम करना चाहिए, हम हर 2-2 महीने में आयात के लिए नई व्यवस्था दें, आयात करने के लिए दें, तो उससे देश के किसानों का मनोबल टूटेगा और वो दलहन की जगह अन्य फसलों में जाएंगे। मध्य प्रदेश में चना अधिक होता था, मसूर अधिक होती थी, अब जहाँ मसूर होती है, चना होता है, वहाँ किसान सरसों बोने लग गए क्योंकि सरसों की, मूंगफली की, सोयाबीन की कीमतें काफी बढ़ी है। तो अगर ज्यादा कीमत जिसकी होगी किसान उसको बोएगा, तो सरकार को दलहन का रकबा बढ़ाने के जो उपाय है वो सिंपल जो उपाय है उनको करना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखित में भेजा है, आदरणीय हमारे विभाग के मंत्री जी हैं पीयूष जी गोयल जी, उनको भी लिखित में पत्र भेजा है कि तुअर और उड़द का समर्थन मूल्य बढ़ाए, तब जाके देश का किसान अपना आत्मनिर्भर होगा और हमको भी विदेशों से नहीं मंगा, अभी हम मसूर कनाडा से मंगा रहे, 365 दिन कनाडा से मसूर आ रही है, चना ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, यूक्रेन से आ रहा है, तुअर बर्मा से ले रहे हैं हम, जिम्बाब्वे से ले रहे हैं, मलावी से ले रहे हैं, साउथ अफ्रीका के और भी देश हैं उनसे हम ले रहे हैं, केनिया से ले रहे हैं और कंटिन्यूस हम आयात कर रहे हैं। तो हमको आयात पर कम ध्यान देना चाहिए, कम आयात सीमित मात्रा में करना चाहिए। अभी बीच में हमने देखा कि भारत सरकार ने कई जगह समझौते किए हैं, हम हर बार समझौते कर लेते, हमारे किसान से समझौता क्यों नहीं करते हो? जो हमारे यहाँ का अन्नदाता है उससे समझौता करना चाहिए कि उसका वाजिब मूल्य, समर्थन मूल्य मिले, इसलिए आयात को कम करके देश के किसानों के उद्धार के लिए यहाँ समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, ताकि यहाँ किसान तुअर और उड़द और मूंग को बोने में अधिक रुचि ले और हमको विदेश पर निर्भर ना होना पड़े जी। सुरेश जी, हमने हाल ही में बेमौसम बारिश भी होते हुए देखी है। जिसकी वजह से ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि ओले पड़ने की वजह से दालों की जो फसल है वो भी कहीं ना कहीं खराब हुई है, आपको क्या लगता है, क्या दालों की फसल पर बेमौसम बारिश से कुछ असर पड़ा है, क्या फसलें कहीं पे कुछ खराब हुई है, किसी राज्यों में और कितनी? कर्नाटक की बात करें तो नंदुरबार, सहदा, दरियापुर इन इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, तो जहां खेत में माल खलियान में कट के आया है जिसको मशीन से क्लीन करने की आवश्यकता थी,
वो माल खले तक नहीं पहुंचा और बारिश आ गई और ओले आ गए, तो कुछ मात्रा में यहाँ नुकसान हुआ है। मगर महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश है, राज्य है, तीन जिले में ओले गिरे हैं। एक वो महाराष्ट्र का एक मान के देखो तो 5% 7% का हिस्सा बनता है, तो उससे पूरी फसल बर्बाद नहीं होती। मगर दूसरे इलाकों में अमरावती में पानी गिरा, जलगांव में पानी गिरा है, अकोला में पानी गिरा, तो जगह जगह पानी गिरने से कुछ तो खराब होता है। जब भी बारिश होती है तो खराबी आती है, मगर ज्यादा नुकसान हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में हरदा में हुआ है, देवास में हुआ है, सिरोंज में हुआ है, सागर में हुआ है, अशोकनगर में ओले गिरे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये जो मौसम बदला है, यहाँ पानी काफी आया है, तो यहाँ कुछ मात्रा में नुकसान हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने कल ही घोषणा की है कि हम लगभग 90 करोड़ रुपया मुआवजे के बतौर जो मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है उनको देंगे, चाहे वो बुधनी से हो, सीहोर से हो, अशोकनगर से हो, हरदा से हो। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक स्टेप उठाया। इसके अलावा राजस्थान में भी पानी गिरा है तो फसलों को नुकसान हुआ है, मगर अभी फसल आना बाकी है जी। अभी नई तुअर का उत्पादन महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुआ है, वो माल आएगा। कोई 5 दिन पानी गिरने से काफी नुकसान नहीं होता, मगर नुकसान तो जरूर हुआ है। तो अभी पूरा साल बाकी है, फसल आना बाकी है। इधर जो नवंबर अक्टूबर में जहाज लोड हुए थे जिम्बाब्वे से, केनिया से, साउथ अफ्रीका देशों से, वो जहाज भी अब हमारे जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में भी आ जाएगा। मार्च तक का भारत सरकार ने समय दिया है तो काफी तुअर मार्च तक आ जाएगी। अभी बर्मा में जो नया फसल आती है, इस बार उड़द का उत्पादन अच्छा हुआ है, तो जो म्यांमार से माल उड़द आएगा वो फरवरी में बड़ी मात्रा में आएगा, उड़द मार्च में भी आएगा। उसी बात को देखते हुए भारत सरकार ने इस 2 महीने में फरवरी और मार्च की डेट बढ़ाई है, तो ये 2 महीने में उड़द भी काफी आएगा जी। तो नुकसान भी हुआ है और देश के बाहर से माल भी आ रहा है, मगर नुकसान ले दे के किसान का हुआ है, तो किसान की चिंता करना चाहिए जी। सुरेश जी, हम अक्सर देखते हैं कि किसानों से तो सस्ते में खरीद लिया जाता है, लेकिन आम जनता तक पहुंचते पहुंचते वही सस्ते वाला सामान महंगा बिकता है। अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि दलहन बाजार MSP से नीचे ही देखने को मिल रहा है, चाहे चना हो, कोई सी भी दाल हो, MSP से नीचे ही है। किसानों से काफ़ी कम दरों पर खरीद की जा रही है दालों की, लेकिन बात करें अगर रिटेल की, तो रिटेल में वही दालें आम जनता को महंगी लगती हैं, आम जनता को काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल भी रही है। चने की बात करें तो चना लगभग 100 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार काफ़ी फैसले तो ले लेती है कि जिससे कि दालों की सप्लाई पूरी की जा सके, दालों की डिमांड को पूरा किया जा सके, लेकिन किसानों से कम भाव पर खरीद कर जो आगे रिटेल में आम जनता तक पहुंचते पहुंचते दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनको कैसे संभाला जाए? क्योंकि सरकार की मंशा तो यही रहती है कि आम जनता को कोई नुकसान ना हो, आम जनता को की जो कीमतें हैं वो कम ही मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। देखिए, 2-3 चीजें उसको आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो इंडस्ट्री से जब माल निकलता है तो उसको होलसेलर खरीदता है, होलसेलर सेमी होलसेलर को बेचता है, सेमी होलसेलर खुदरा व्यापारी को बेचता है, तो 3-3 हाथ में माल जाता है। जब माल जाता है तो उसमें लेबर लगती है, ट्रक का भाड़ा लगता है, गाड़ी का किराया लगता है, और उसके जो माल अनलोडिंग अनलोडिंग के खर्चे के अलावा और भी खर्चे होते हैं, ये सब उसमें ऐड होते चले जाते हैं। तो अगर 3 जगह से माल अगर आपके यहाँ रिटेल में पहुंचेगा तो 3 जगह का ट्रक भाड़ा और उतार, ट्रक में लोड करना और अनलोड करने की मजदूरी उसमें बढ़ जाती है, तो हर पॉइंट पे एवरेज 10-11% खर्चा बढ़ता है। तो अगर 3 हाथ में गया तो जो फैक्ट्री से निकलता है उससे 25-30 रुपए महंगा हो जाता है। अब कहीं चने की दाल 100 रुपए बिक रही है तो हम उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक, गुजरात तक, अगर कोई चने की दाल खरीदेगा तो हर दाल मिल वाला उसको 70 रुपए किलो में आसानी से चने की दाल देगा जी। अब अगर वो सूट पहन के बड़ी लग्जरी कार में माल में जाएगा तो माल तो बनता ही उन लोगों के लिए जो कार में आते हैं, और माल वाले तो नौकर चाकर रख के अपनी कीमतें चाहे जो करते हैं, तो कभी भी मार्केट के भाव की तुलना किसी माल से या किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से होना संभव नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आदमी चला जाएगा तो 70 रुपए किलो में चने की दाल उसको मिल जाएगी। तुअर की दाल का अगर हम एवरेज देखें
तो 100 रुपए किलो में उसको कोई भी डालमिट वाला दे देगा। अब रिटेल में अगर जो ज्यादा बिकती है तो वो रिटेल में सरकार को देखना पड़ेगा। कई जगह खुदरा व्यापारी एक दिन भाव खोल दिया तो 10 दिन तक एक जैसे ही भाव रखते हैं, 15 दिन तक एक जैसे ही भाव रखते हैं। तो इंडस्ट्रीज में भाव प्रतिदिन अप डाउन होते हैं, प्रतिदिन भाव चेंज होते हैं, प्रतिदिन उसके रेट में अंतर आता है। मगर खुदरा व्यापारी जो दो दो चार चार किलो देगा उसके यहाँ सप्ताह सप्ताह भर एक जैसे भाव रहते हैं, तो उनसे इसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल है। मगर कहीं भी देश के बाद में जो अपने पास कोई जाएगा और अगर वो अच्छी क्वांटिटी में मांगेगा, भले ही 5 कट्टे 7 कट्टे 2 क्विंटल 4, तो उसको दाल आसानी से मिलेगी। देश के हर राज्यों में दाल मिले, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ तो कानपुर में है, आगरा में है, हाथरस में है, बरेली में है, मध्य प्रदेश में चले जाओ तो आप कटनी, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, तो हर राज्य में कहीं ना कहीं उसको आजू बाजू में दाल मिल मिलेगी। महाराष्ट्र में सोलापुर, कोल्हापुर, अकोला, जलगांव, सांगली, हिंगनघाट, मुर्तजापुर, तो हर क्षेत्र में दाल मिले। अगर आदमी थोड़ी सी मेहनत करे तो उसको अच्छी तादाद में कम रेट में दाल इंडस्ट्री से माल आसानी से मिल सकता है। जी सुरेश जी, इसे बात करें अगर दालों के बाजार की, तो आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे अभी दालों के ऊपर? किसान अभी अपना माल रोक कर चले या निकाल कर, क्या आगे दलहन बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है? नहीं, अभी वर्तमान में किसानों ने सरसों की तरफ, सोयाबीन की तरफ, मूंगफली की तरफ रुख किया है। मगर ये जो फसलें हैं, अगर सारे किसान इनको बोने लग जाएंगे तो जब नई फसल आएगी 3 महीने बाद तो इनकी प्राइजें बहुत कम हो जाएगी, कीमतें एकदम कम हो जाएगी। तो किसानों को दलहन पे भरोसा रखना चाहिए। दलहन का इतिहास रहा है कि कभी मार्केट मद्दा भी होगा तो ज्यादा दिन मद्दा नहीं रहता है जी, या ज्यादा लंबे समय। तो आदमी को तुअर उड़द मूंग को निरंतर जो बोते हैं उनको बोना चाहिए, तुअर का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उड़द का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। और ये ऐसी फसलें कि इनमें थोड़ा सा मेहनत जरूर लगती है, बारीक जरूर लगती है, अगर इसमें ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छी फसलें हैं। और इन पर अगर वो समय समय पे दवाई, समय समय पे इन पे निंदाई गुड़ाई करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। किसान को दलहन का रकबा बढ़ाना चाहिए, यही काम सरकार को करवा के करना चाहिए कि कैसे भी देश में दलहन का उत्पादन बढ़े। तो हम ये जो देश के बाहर है, एक बात और गंभीरता से समझें कि बर्मा में, साउथ अफ्रीका के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ जो दलहन बोया जाता है वहाँ दलहन की खपत ही नहीं है, वहाँ तो दूसरी फूड का ज्यादा उपयोग होता है, नॉनवेज ज्यादा होता है। तो ये सब वो लोग इसलिए बोते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा इंडिया एक परचेसर देश है, यहाँ पर इन सबकी डिमांड बनी रहती है, और यहाँ पर डिमांड बढ़ी रहने से वो अपने देश में पैदा करके भारत भेजते हैं, और भारत में इसकी खपत भी काफी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि किसान को दलहन बढ़ाना चाहिए ताकि दलहन का रकबा बढ़े, और दलहन के रकबे बढ़ने से हम, हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी, और हम दूसरे देशों की तरफ वो भी नहीं रहेंगे, दूसरे देशों पर आधारित भी नहीं रहेंगे। तो भारत सरकार को, राज्य सरकार को दलहन बढ़ाने की आवश्यकता है जी। तो जैसे कि सुरेश जी ने बताया कि सभा में काफी ज्यादा और काफी सारे मुद्दे माननीय मंत्री जी के सामने रखे गए थे, जिन पर उन्होंने कहा है कि वो जरूर विचार करेंगे और इनको हल करने का प्रयास भी जरूर करेंगे, जैसे कि आयात लाइसेंस हुआ और मंडी शुल्क हुआ, GST की दरें हुई, इन सबको हल करने, इन सब की समस्या हल करने की कोशिश भी की जाएगी, और आयात को, आयात कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए इस पर भी ध्यान पूरा पूरा रखा जाएगा। दाल मिल एसोसिएशन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि दाल मिल वालों को, दाल कारोबारियों को और दाल किसानों को कोई कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने मंत्री जी के समक्ष अपनी ये राय रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल मार्केट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।